तो आज हम लोग पढ़ेंगे कंजंक्शन। कंजंक्शन को हिंदी में कहते हैं समुच्चय बोधक अवयव। समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक अवयव, अवयव। चलिए इसका परिभाषा जानते हैं। कंजंक्शन वह शब्द है, कंजंक्शन वह शब्द है जो जो शब्दों जो शब्दों या वाक्यों जो शब्दों या वाक्यों वाक्यों को जोड़ता है, को जोड़ता है, जोड़ता है उसे हम कंजंक्शन यानी समुच्चय बोधक अवयव कहते हैं। कंजंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? कंजंक्शन कहते हैं। ठीक, यानी जो शब्दों या वाक्यों को जोड़े उसे ही कंजंक्शन कहते हैं, या शब्द हो या वाक्य हो उसको जोड़े उसे ही हम क्या कहेंगे? कंजंक्शन कहेंगे। ठीक ना, इंग्लिश में इसको लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं ए कंजंक्शन इज ए वर्ड विच जॉइंस वर्ड्स आर सेंटेंस टुगेदर। ठीक ना, अब हम कुछ एक काम करते हैं, हम कुछ कंजंक्शन देखते हैं। जैसे कुछ वाक्य लिखते हैं, जैसे सीता एंड गीता, सीता एंड गीता आर गोइंग, सीता एंड गीता आर गोइंग। ठीक ना, आर गोइंग। दूसरा लिखते हैं हम आई वॉज रीडिंग बट He was playing. ठीक ना, He was playing. अब एक और देखेंगे, Give me a pen or a pencil. PENCILE पेंसिल। ठीक ना, फुल स्टॉप लगाएंगे। तो अब देखेंगे इनके कंजंक्शन कौन कौन से हैं। तो कंजंक्शन इसमें किसको जोड़ा है? सीता एंड गीता आर गोइंग, यानी एंड क्या कर रहा है? सीता और गीता दोनों को जोड़ रहा है, यानी सीता आर गोइंग, गीता आर गोइंग, सीता और गीता दोनों जा रही हैं। इसलिए एंड क्या है आपका? एंड ये एंड जो है ये आपका कंजंक्शन है। क्या है? कंजंक्शन है। इसमें देखिए आई वॉज रीडिंग बट ही वॉज प्लेइंग, अब इन दोनों वाक्यों को कौन जोड़ रहा है? इन दोनों वाक्यों को ये बट जोड़ रहा है। बट, मैं पढ़ रहा हूँ लेकिन वह खेल रहा है। ठीक ना, अब ये देखिए गिव मी ए पेन आर ए पेंसिल आर ए पेंसिल, मुझे पेन या पेंसिल दो। इसको कौन जोड़ रहा है? इसको जोड़ने वाला होता है आर। ठीक ना, ओ आर आर। ये क्या हो गए? ये कंजंक्शन होते हैं। कंजंक्शन हो जाएंगे आपका एंड, बट, आर, यही तीन कंजंक्शन होते हैं। ठीक ना, जैसे एक और वाक्य देखेंगे, एक दो वाक्य देखेंगे। जैसे मैं आपको कुछ वाक्य दे रहा हूँ, ठीक ना, उसे करेंगे। जैसे आपको दे दिया जाएगा फर्स्ट नंबर, इसी को देख लीजिए, सीता एंड गीता, सीता एंड गीता गीता आर कमिंग, सी ओ डबल एम आई एन जी कमिंग। दूसरा हो जाएगा आपका आई एम पुअर
मैं गरीब हूँ, बट ऑनेस्ट, लेकिन ईमानदार हूँ। मैं गरीब हूँ लेकिन फिर भी ईमानदार हूँ। तीसरा हो जाएगा आपका, आर यू राम, आर यू राम, आर यू राम आर मोहन, ठीक ना, मोहन। आर यू राम आर मोहन। फिर चौथा देखेंगे आप, आई वॉज रीडिंग, ये तो था ही, आई वॉज रीडिंग। आई केम बट ही डिड नॉट, ठीक ना। एक और लिख लेंगे पांचवा नंबर, ही इज ऑनेस्ट, HONEST, एंड काइंड, ठीक ना, ऑनेस्ट एंड काइंड। अब देखेंगे इसमें कंजंक्शन कौन है, ठीक ना, समुच्चय बोधक अवयव कौन से है। तो सीता एंड गीता आर कमिंग, सीता और गीता आ रही है, इसको कौन जोड़ रहा है, सीता और गीता को, ये एंड दोनों को जोड़ रहा है कि ये दोनों साथ में आ रही हैं, ठीक ना। आई एम पुअर बट ऑनेस्ट, गरीबी और ईमानदारी को कौन जोड़ रहा है, बट, ये बट ही है जो जोड़ रहा है कि मैं गरीब हूँ लेकिन ईमानदार हूँ, ठीक ना। आर यू राम आर मोहन, तुम राम हो कि मोहन हो, यानी ये कौन जोड़ रहा है दोनों नामों को, ये आर जोड़ रहा है, ठीक। आई कम बट ही डिड नॉट, मैं आया लेकिन वह नहीं, इसको कौन जोड़ रहा है, बट, ये बट दोनों को, दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है, ठीक। अब इसमें देखिए, ही इज ऑनेस्ट एंड काइंड, वह ईमानदार और दयालु है, यानी ईमानदारी और दयालुता को कौन जोड़ रहा है, ये एंड जोड़ रहा है, ठीक, ये एंड जोड़ रहा है।